बलिया से होकर गुजरने वाली मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में लगातार जहर खुराने की घटना को अंजाम देकर जीआरपी के नाक दम मचाने वाले खूंखार जहर खुराने गैंग के 5 सक्रिय सदस्यों को आज जीआरपी बलिया ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बताते चले कि गैंग में शामिल सातिर किस्म के ये सभी अपराधी चलती ट्रेनों में यात्रियों से दोस्ती करके उनके खाने पीने की चीजों में नशीली पदार्थ मिलाकर उनको लूटने का कार्य करते थे। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने इन सभी के पास से लूट के 6 महंगे मोबाइल के अलावा 10,550 रुपए नकद और सोने के गहनों के साथ साथ भारी मात्रा में नशीला अल्प्राजोलाम पाउडर को भी बरामद किया है। आपको बताते चले कि पकड़े गए ये सभी बदमाश चोरी और लूट के मामले में बलिया जीआरपी के साथ साथ मऊ व वाराणसी जीआरपी पुलिस के भी वांछित थे। आईबी इंडिया न्यूज के लिए रसला से सुमित गुप्ता। इस गैंग के लोग जो है ट्रेनों में चोरी छिनैती और जहर खाने जैसा ये जघन्य अपराध करते हैं। एरिया इनका जौनपुर, बनारस, मऊ, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, इस क्षेत्र में ये सब मिलकर काम करते हैं। माल में इसमें तमाम घटनाओं से संबंधित गहने और नशीला पाउडर और चोरी की मोबाइल ने बरामद की। ये ट्रेनों में एक तो चुपके से चोरी करना और फिर यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनको बेहोश करके उनका सामान चुरा लेना, छीन या मौका मिलने पर छीन कर कूद जाना, इस टाइप के सारे काम ये करते हैं। सर ये लोग क्या बताएं, अब तक कितनी वारदात कर चुके हैं, कितने का माल चुना, चपत लगा चुके हैं लोगों का? इसमें इन्होंने तमाम मुकदमे को बताया, कुछ को इनको याद नहीं आ रहा है। एक भदौरा गांव का निवासी है मंटू वर्मा सुनार, जिसको इन्होंने कम से कम लाखों का सामान गहने वगैरह बेचा है, जिसकी रिकवरी का प्रयास किया गया। एक हमें लॉकेट मिला, बाकी सारा सामान सुनार ने गला दिया।